1,000 में 3 पीस। सुना है दोस्तों, आज दुकानों पे, स्टॉल पे, फुटपाथ पे सेल लग रही है। और सेल क्या लग रही है, 1,000 में 3 पीस चुन के लेके जाइए। तो दोस्तों, क्या वास्तव में इसमें कमाई है, बचत है इसमें? और है तो कितनी? इसमें बिक क्या रहा है? मुंडे का माल बिक रहा है, चालू माल बिक रहा है, या हाफ मुंडे का माल बिक रहा है? बेच कैसे रहे हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हाँ दोस्तों, पॉसिबल है। नमस्कार, दीवान गारमेंट में आपका हार्दिक और अभिनंदन। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे कि 1,000 में जो 3 पीस बिक रहा है, इसको हम बेचें कैसे, और बेचें तो इसमें कपड़े कौन से आएंगे, कैसे डालें, कौन से कपड़े डालें, किस रेट के डालें, और इसमें कमाई कितनी है, और इसमें लागत कितनी है। तो दोस्तों, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, तभी पूरा समझ में आएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, आपका लाइक, शेयर और कमेंट जरूर चाहिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं ये 3 पीस का जो बंडल है, जो 1,000 में 3 पीस आ रहा है, इसमें हम माल कौन कौन सा डालें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इसमें माल जाएगा, पहला पीस रहेगा डॉबी का, जो हमको रेट में आएगा 180 रुपये में। सेकंड कपड़ा आएगा कॉटन नेटिंग या पोली नेटिंग, जो मिक्स लाट से आएगा, वो रेट में पड़ेगा दोस्तों 280 रुपया। और तीसरा चीज़ जो आएगा वो दोस्तों आपका कपड़ा आएगा 3x1, उसमें भी आपको 3 से 4 कलर मिल जाएंगे, उसका जो रेट रहेगा वो दोस्तों रहेगा 300। ये आएगा फ्रेश में दोस्तों। डॉबी जो आएगा बेसिक एम्ब्रॉयडरी में आएगा, डॉबी कपड़ा है, आप समझ सकते हैं, इसमें 2 से 3 कलर आ जाएंगे आपको। ये डॉबी कपड़ा है, कपड़े आपको पूरा फ्रेश मिलेंगे, वॉशिंग पूरा फ्रेश मिलेगा। जो दूसरा आएगा वो कॉटन नेटिंग या तो पॉली नेटिंग कपड़ा आएगा, देख सकते हैं, इसमें विस्कर आएंगे, इसमें जो कलर आएगा 2 से 3 कलर आएगा, आप देख सकते हैं, ये कॉटन नेटिंग या पॉली नेटिंग आएगा। तीसरा कपड़ा है 3x1, जो 300 की रेट में आएगा, इसमें भी या तो डैमेजिंग, देख सकते हैं, डैमेजिंग आएगा या तो पूरी तरह बेसिक आएगा। तो दोस्तों, ये 3 कपड़ों का चार्ट रहेगा, दोस्तों देख सकते हैं, ये 3 कपड़ों का चार्ट रहेगा, 3x1 300 में, कॉटन नेटिंग या पॉली नेटिंग आपको पड़ेगा 280 में, और जो डॉबी है वो आपको पड़ेगा 180 में। ये तीनों कलर का आपका जो रेंज बैठेगा, वही 1,000 में 3 पीस बिकेगा। अभी आप पेन लीजिए, कलम लीजिए, टोटल लागत कितनी हुई? टोटल लागत हुई दोस्तों 760 रुपये। अभी 760 रुपये की लागत है, और हमें 3 पीस बेच कैसे रहे हैं 1,000 में। तो दोस्तों, इसकी जो बचत हुई, जो हमारी कमाई हुई हुई वो 240 रुपये की। अभी दोस्तों, 240 रुपये की कमाई हमारी हुई, तो दिन भरे में हम बेचेंगे कितना? 10 कस्टमरों को तो बेच सकते हैं ना दोस्तों। अगर 10 कस्टमर को हमने बेचा तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 2400 रुपये नेट प्रॉफिट, 2400 रुपये, लागत 760 रुपये। और मैं ये नहीं कहता कि हम 10 ही कस्टमर को बेच सकते हैं, हम तो 20 कस्टमर को बेच सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 कस्टमर तो हमारे गए नहीं ना कहीं, तो 2400 रुपये तो हमारे आए दोस्तों, क्या बुरा है? और आपको माल कहाँ से खरीदना है,
ये नीचे नंबर दिए आ रहे हैं, इन नंबरों पे आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, और सीओडी भी है, आपको कैश ऑन डिलीवरी भी मिल जाएगा, आप पैसा भेज के माल मंगवा भी सकते हैं। और दोस्तों नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार 6 से 10 पीस का सैंपल मंगवा लीजिए, उसके बाद फिर बिजनेस कीजिए। तो ये शॉर्ट वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।